सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेल रहे असम के 17 वर्षीय बल्लेबाज रियान पराग ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फिरोजशाह कोटला मैदान पर इतिहास रच दिया। रियान ने 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन इस मैच के दौरान रियान पराग के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो इस बड़ी घटना के होने से बाल बाल बच गए। दरअसल ये वाक्य 15वें ओवर की पहली गेंद का है, जब स्ट्राइक पर खड़े थे शेफन रदरफोर्ड और बॉल करा रहे थे श्रेयस गोपाल। इसी बीच गोपाल ने शेफन रदरफोर्ड को एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे शेफन रदरफोर्ड ने फाइनल लेग की तरफ उठाकर खेल दिया और बॉल बहुत ऊंची थी। वहीं बाउंड्री पर खड़े थे रियान पराग। गेंद जैसे ही बाउंड्री की तरफ आई, रियान पराग ने गेंद को डाइव लगाकर पकड़ना चाहा, लेकिन क्योंकि गेंद ऊंची थी वो उनके हाथ से फिसल कर निकल गई और वो बाउंड्री के उस पार खड़े सामान पर जा गिरे। कैमरे में देखने पर पता लगा कि इस बाउंड्री को रोकने के दौरान उनके बाएं हाथ में कुछ चोट लगी थी, जिसके कारण वो मैदान के बीच में ही दर्द के मारे कहराते हुए दिखाई दिए। रियान पराग के चोट के कारण राजस्थान की टीम को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।